भगवान के प्रति श्रद्धा और भावना के साथ तो हर कोई मंदिर जाता है, फिर चाहे वो आम इंसान हो या फिर देश का महामहिम। अगर आप भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ आए दिन लोगों के साथ होने वाली बदसलूकियाँ भी खूब देखी होंगी। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि मंदिर में दर्शन करने गए आम भक्तों की तरह राष्ट्रपति और उनके परिवार के साथ भी बदसलूकी हो सकती है? क्या महामहिम यही सोच रहे हैं ना आप कि देश के राष्ट्रपति के साथ बदसलूकी क्या मजाक है? जिनके आगे पीछे हर समय सिक्योरिटी लगी रहती है उनके साथ बदसलूकी कैसे हो सकती है? तो जनाब जान लीजिए, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी हुई। जी हाँ, ये मामला तकरीबन 3 महीने पुराना है लेकिन सामने अब आया है। दरअसल हुआ यूं कि 18 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ उड़ीसा के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने गए थे, जहां मंदिर में सेवादारों के एक समूह ने कथित रूप से गर्भगृह के करीब राष्ट्रपति का रास्ता रोक लिया और उनकी पत्नी को धक्का दे दिया। बता दें कि इस मामले में मंदिर प्रशासन ने 3 सेवादारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया है। हालांकि पूरे जिला प्रशासन इस मामले की जाँच कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता सुरेश कुमार ने कहा, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिला प्रशासन क्यों ऐसी स्थिति से बचने में असफल रहा। अब तक सिर्फ सामान्य श्रद्धालुओं को सेवादार परेशान करते थे, अब ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति और उनके परिवार को भी इससे नहीं बख्शा गया। बहरहाल हम तो यही कहेंगे जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब देश के राष्ट्रपति को ही सुरक्षा नहीं दी जा पा रही है तो आम जनता का क्या होगा? जीएसएन न्यूज के लिए पूजा चौधरी की रिपोर्ट।